हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम पुष्पन दाकन, वेलकम टू फ्लाह एकेडमी। इस वीडियो में हम विभक्ति सीरीज में आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे पंचमी विभक्ति, अपादान कारक। अपादान कारक मतलब था से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। तो वहां पर हम किस विभक्ति का यूज करते हैं? वहां हम पंचमी विभक्ति का यूज करते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से अलग होना, किसी चीज से अलग होना। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता गिर के अलग ही हो रहा है। हम यहाँ देखो, जरूर जब भी सेंटेंस होते हैं विभक्ति में, जब भी हम या किसी भी लैंग्वेज में जब स्पीकिंग की बात होती है तो कॉमन सेंस पे बात होती है, उसके सेंस में बात होती है, किस सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पर वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से। तो वृक्ष से, तो वृक्ष में आपका पंचमी विभक्ति होगी, यानी कि वृक्षात पत्रम पतति। अब एक पत्ता गिरा है इसलिए एक वचन ही आएगा, वृक्षात पत्रम पतति। राम पेड़ से उतरता है, तो राम पेड़ से उतर रहा है, तो उतरना भी कहीं ना कहीं एक कुछ चीज से अलग होना। तो सीढ़ियों से उतर रहा है, या फिर पेड़ से उतर रहा है, या बिल्डिंग से उतर रहा है, कहीं से भी उतरना, तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगेगी। तो राम है पेड़ से, तो पेड़ में आएगी वृक्षात अवतरती। राम है वृक्षात अवतरती। लोग गांव से शहर आ रहे हैं, लोग गांव से शहर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है गांव छोड़ रहे हैं, गांव से वो अलग हो रहे हैं। तो गांव से, ग्राम से, तो गांव आपका यहाँ पर इस पर पंचमी विभक्ति। हाँ, तो जना ग्रामात नगरम आगच्छन्ति, जना ग्रामाम ग्रामात नगरम आगच्छन्ति। तो अभी गांव से अलग हो रहे हैं वो लोग, तो अलग हो रहे हैं इसका मतलब है पंचमी विभक्ति। अब इसके बाद आपको पता ही है कि ये तो एक नॉर्मल रूल होता है जो जनरली हर चीज में फॉलो होता है, लेकिन इसके बाद आती है उपपद विभक्ति, जो क्या करती है, जिसकी वजह से हम वहां पर पंचमी विभक्ति करें। तो आप रट लो, धी मीन्स डरना, जहां पर डरने की बात आए, त्रा मीन्स बचाना, त्रस मीन्स डरना, रेते मीन्स बिना, बिना बिना ही होता है, वही मीन्स बाहर, जुगुप्सा किसी से घृणा करना, हेट भू धातु जहां से उत्पन्न होना, निकलना किसी चीज का उद्गम होना। तो इन सब चीजों में जहां पर भी ये भी त्रा त्रस रिते विना वही जुगुत्सा भू धातु आती है, जहां पर इस तरह के सेंस बनते हैं, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। तो ये आपको रट लेना है, नहीं तो आप वैसे पंचमी विभक्ति में कंफ्यूज रहेंगे। श्याम राम सिंह से डरता है, श्याम जो है वो किससे डर रहा है? सिंह से डर रहा है। डरना धातु है, इसलिए यहाँ पर किससे डर रहा है? सिंह से। तो जो सिंह होगा इसमें आपका, जो शेर होगा उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। तो श्याम है सिंगात बिभेति, तो यहाँ पे सिंगात आकर राम तुम्हें सिंह से बचाता है, तो डरना या बचाना इसमें आपको किस में आएगा? पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर ही वो उसको सिंह से, शेर से बचा रहा है, तो राम है तुवाम सिंगात त्रायते। तो जो सिंह है इसमें आपका कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। जिस चीज से की बात हो रही, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। तो अब देखो, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना, तो बिना में आपका हमेशा जहां पर क्या यूज होगा? आपका पंचमी विभक्ति। आपने पहले देखा कि चतुर्थी हुई, तृतीय हुई, हम अलग डिस्कशन करेंगे। अभी हाल फिलहाल आप समझो कि बिना में क्या आएगा? पंच। तो गुरु के बिना, किसके बिना हो रहा है बात? गुरु के बिना, तो गुरु, तो जो गुरु में ही आपका पंचमी विभक्ति। गुरु रहते ज्ञानम न भवेति, ज्ञानम न भवति, गुरु रहते ज्ञानम न भक्ति, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। छात्र कक्षा से बाहर, तो बाहर जाने में भी आपका कक्षा से जा रहे हैं, तो किसी चीज से जाते हैं, तो वहां पर क्या जाएगा आपका? पंचमी विभक्ति। राम तो छात्रा कक्षा, तो यहाँ पर वही गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा का हिमालय से उद्गम होता है, या फिर वहां से उत्पन्न हुई, तो इस तरह के सेंस में भी आप क्या यूज करेंगे? पंचमी विभक्ति। कहां से? हिमालय से। तो हिमालय से की बात हो, तो गंगा हिमालयात प्रभावती, या फिर प्रभावती नहीं लिखना। देखो तो यहाँ पे कोई वो जो भू वाली धातु हो रही ना, भूमि से उत्पन्न होना या निकलना, या फिर निर्गम हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, निस्ति, मतलब ये मैंने जो 1 2 3 4, ये चारों की चारों धातु का मतलब भी होता है, उत्पन्न होना, निकलना, उद्गम होना। तो ये सब चीजें उस सब के सेंस में आपका कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी ही विभक्ति आएगी। तो हिमालय से, तो हिमालयात आया, प्रभावती, या फिर निर्गत निर्गच्छत लिति, या उद्गम भवती, या फिर निस्सरती। तो इसी के साथ मतलब मेन मुद्दा आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है उपपद विभक्ति, जिसमें भी डरना, त्रा बचाना, त्रस डरना, रिते बिना, या फिर बिना भी है, वही मीन्स बाहर, जुगुप्सा किसी से घृणा, या हेट की बात आती है, वहां पर भू धातु जहां से उत्पन्न होना, निकलना, उद्गम होना। तो इन सब में
आपका क्या आएगा, पंचविभक्ति आएगी। और सबसे मेन चीज, किसी चीज से अलग होना, दूर जाना। तो हर बार अलग होना दूर जाना लिखा नहीं रहेगा, किसी से दूर जाना भी एक अलग होना ही होता है, तो वहां पर ही पंचविभक्ति आएगी। तो मतलब अभी आपको सेंस से समझने को, चीज से अलग हो रही है, दूर जा रही है, तो मतलब आपकी पंचविभक्ति है। तो बहुत सब जिससे जा रहे हो, जिस चीज से दूर हो रहा है या जिससे, तो वहां पर आपका पंचविभक्ति आता है। तो होपियो गाइस आपको पंचविभक्ति समझ में आ गया होगा। पंचविभक्ति में हर जगह आपको बस ध्यान रखना है, किसी से दूर जाना, डरना, बचाना, घृणा करना, उत्पन्न होना, यही सब चीजें हैं। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादातर शेयर करें। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको बेसिक इंग्लिश संस्कृत का प्रॉब्लम है या फिर जिनको विभक्तियां नहीं आती हैं, उनको सजेस्ट करें, उनको शेयर करें ये वीडियो, ताकि वो हेल्पफुल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।